दोस्त, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता को बहुत मेहनत से हासिल किया जाता है। ये तो आप सब जानते होंगे कि सक्सेसफुल लोग बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे ऑर्डिनरी नहीं होते, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने पड़ते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है जो इन लोगों को इतना सक्सेसफुल बनाती है? आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सक्सेसफुल लोगों के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स। इन हैबिट्स को साइकोलॉजिकली रिसर्च के साथ प्रूफ किया गया है कि यही है वो हैबिट्स जो आज 99% लोगों का सक्सेस सीक्रेट है। दोस्तों, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ माइंडसेट। 1960 में साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने बताया था कि इस दुनिया में दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, पहले ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग और दूसरे फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। और वही फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ऐसे लोग लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं लाना चाहते हैं, और जिस स्थिति में वो 5 साल पहले रहते हैं 5 साल बाद भी उसी स्थिति में रहते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला बनना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हैं, उनकी अच्छे रिलेशनशिप होते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करते हैं। दूसरा है धैर्य। साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ ने अपनी रिसर्च में बताया था, ज़्यादातर सफल लोगों की एक खास आदत है कि ऐसे लोग असफल होने से कभी नहीं घबराते। सफल लोग पानी की तरह होते हैं, जिस तरह से पानी को गिलास में डाला जाए तो वो गिलास का रूप ले लेता है, उसी तरह से सफल लोग बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करना जानते हैं। यही लचीलापन उन्हें बहुत सक्सेसफुल बनाता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो अपनी रिसर्च में ये भी बताया था कि सिर्फ धैर्य रखने से आप किसी भी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हो। सिर्फ धैर्य की क्वालिटी ही आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। तीसरा है डेलिबरेट प्रैक्टिस, यानी विचार पूर्वक अभ्यास। एंडर्स एरिक्सन ने अपनी एक खास रिसर्च में ये बताया था कि प्रैक्टिस करने से आप किसी भी काम में मास्टर बन सकते हैं, आप किसी भी काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। एरिक्सन कहते हैं कि अगर आप विचार पूर्वक अभ्यास के साथ किसी भी काम को करते हैं तो आप नॉर्मल प्रैक्टिस करने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आगे निकल सकते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो नॉर्मल प्रैक्टिस करने वाले लोग हार्ड वर्कर होते हैं और विचार पूर्वक अभ्यास करने वाले लोग स्मार्ट वर्कर होते हैं। आप स्मार्ट वर्क तभी कर सकते हैं जब आपने हार्ड वर्क किया हो। हार्ड वर्क से आपको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से नॉलेज मिलती है, लेकिन स्मार्ट वर्क से आप अपने काम को बहुत आसानी और बहुत जल्दी करते हैं, जो आपको दूसरे लोगों से बहुत आगे लेकर जाती है। चौथा है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का मतलब है आत्मकरुणा। एमएस सेपला ने अपनी किताब द हैप्पीनेस ट्रैक में ये लिखा है कि सक्सेसफुल लोग चाहे कितनी भी गलती कर ले, लेकिन ऐसे लोग कभी भी पछतावे पर भरोसा नहीं करते। सक्सेसफुल लोग कभी भी खुद को किसी और से कम नहीं मानते। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि गलती सबसे होती है और इसलिए वो खुद की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। इस बात की भी परवाह करते हैं कि आगे से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि मुश्किलें तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। मुश्किलें जिंदगी का सिर्फ 1% है और 99% हिस्सा होता है कि आप उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें अपनी मुश्किलों का सामना कैसे करना है, और इसलिए ऐसे लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं। पांचवा है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जब आपके मन में कोई भी विचार या भावना आए, आप उस भावना में बिना बहे उस विचार को ऐसे ही जाने देते हो। इसे कहते हैं माइंडफुल होना। सरल भाषा में कहें तो आप जब भी जिस भी चीज पर फोकस करना चाहे उस पर आप तुरंत फोकस कर सके, क्योंकि दिन भर में हम जितने भी काम करते हैं हमारे दिमाग में कुछ गलत और कुछ सही विचार आते हैं, और माइंडफुल मेडिटेशन से आप उन विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके लिए आपको माइंडफुल मेडिटेशन सीखना होगा। आप गूगल पर माइंडफुल मेडिटेशन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये कैसे करना होता है। इससे आपको मदद मिलेगी और आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। माइंडफुल मेडिटेशन से आपको मदद मिलती है कि आप बिल्कुल शांत दिमाग से अपने फैसले ले पाते हैं। शांत दिमाग से लिए हुए फैसले ज़्यादातर सही फैसले होते हैं, और इन्हीं सही फैसलों की वजह से ऐसे लोग सक्सेसफुल बनते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कि सफल लोग अपने गोल को सिस्टम में बदलते हैं। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट एमी कडी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग बहुत बड़े सपने देखने लग जाते हैं और इसलिए ऐसे लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, जबकि जो सफल लोग होते हैं ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे गोल बनाकर चलते हैं और धीरे धीरे उन छोटे गोल्स को पूरा करते जाते हैं। ज़्यादातर सफल लोगों की एक खास आदत होती है कि ऐसे लोग अपनी संघर्ष की जिंदगी को एंजॉय करते हैं।
और जैसे जैसे उनको सफलता मिलती जाती है उनका मोटिवेशन बढ़ता जाता है। सफल लोगों का मानना है कुछ ना करने और कुछ ना पाने से बेहतर है कि कुछ करो। भले ही आपको छोटी सफलता हासिल हो लेकिन वो छोटी सफलता एक दिन आपको बहुत बड़ी सफलता की तरफ लेकर जाती है। अगर आप 10 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो एक साथ 10 किलो वजन घटाने के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप एक एक किलो वजन घटाने के बारे में सोचें, और जैसे जैसे आप अपना वजन घटाते जाएंगे आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ता जाएगा। आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड बन जाएंगे और धीरे धीरे करके आप 10 किलो से भी ज़्यादा वजन घटा सकते हैं। 7th पॉइंट है कि सफल लोग सिर्फ अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं रहते। जिस तरह से हम सब के मोबाइल में दिन भर कोई ना कोई नोटिफिकेशन मैसेज या कॉल आते रहते हैं उसी तरह से सफल लोगों के मोबाइल में भी इस तरह के नोटिफिकेशन आते होंगे, लेकिन वो इन नोटिफिकेशन या इन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना सीख जाते हैं। ऐसे लोग अपनी ईमेल लिस्ट से कुछ समय बर्बाद करने वाले ईमेल सेंडर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि उनका कम से कम समय बर्बाद हो। ऐसे लोग अलग अलग तरह के उपाय अपनाते हैं जैसे कुछ ऐप लॉक का यूज करना, साइट ब्लॉकर का यूज करना, या फिर जब वे काम कर रहे हो तब अपने मोबाइल से दूरी बनाकर रखना। और मेरी भी एक खास आदत है जो मैंने अपनी जिंदगी में अभी अभी अपनाई है कि रात में सोते वक्त मैं अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डालकर सोता हूँ और मोबाइल को दूसरे रूम में रख देता हूँ ताकि मुझे किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो और मैं चैन की नींद सो सकूं, और सुबह उठने के एक घंटे बाद ही मोबाइल का यूज करूं। और जब से मैंने इस हैबिट को अपनी लाइफ में अपनाया है तब से मुझे बहुत ही सुकून की नींद आती है। ऐसे लोगों की टू डू लिस्ट बनी होती है कि दिन भर में उन्हें क्या क्या काम निपटाने हैं, और जब तक सफल लोग अपने सारे काम नहीं निपटा लेते तब तक उनको नींद भी नहीं आती है। और इस तरह से अपनी इन हैबिट्स की वजह से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और ये हैबिट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा या फिर आप बहुत मुश्किल से सीख पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इनमें से एक एक करके हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। आपको अपनी लाइफ में जैसे जैसे थोड़े बहुत चेंजेस दिखने शुरू हो जाएं आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब आपको मुझे कमेंट में लिखना है कि आपको इनमें से कौन सी हैबिट सबसे बेस्ट लगी और कौन सी हैबिट आपको पहले पता नहीं थी जो आपको इस वीडियो से पता लगी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने इस मोटिवेशनल चैनल लाइफ चेंजिंग चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर।